5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। गेगल थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर हुई लूट। लुटेरों ने दुकान में घुसकर सेल्समैन के हाथ बांधकर 35 शराब की पेटी समेत कैश की करी लूट। बड़गांव निवासी बालिका का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। संजय सिंह रावत ने किया था अपहरण, करवाया जा रहा है मेडिकल। गहलोत सरकार से भी परेशान हुए कर्मचारी। आज आयोजित हुई पेंशनर समाज की बैठक। कर्मचारियों के हित में सरकार नहीं कर रही कोई कार्य। देवनानी ने प्रेस वार्ता बुलाकर कांग्रेस सरकार पर किया वार। चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही। मंत्री बैठे हैं रामगढ़ में, कहा देवनानी ने। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए निश्चिंत। जीसी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। जैम बे नवयुवक मंडल द्वारा स्कूल के बच्चों में वितरित किए स्वेटर और जूते। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए काढ़ा भी किया वितरित। 185 बच्चों में किया गया वितरित। राजस्थान को नशा मुक्त करवाने के लिए कलेक्टर में आयोजित हुई बैठक। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री के निर्देश में आयोजित होगा कार्यक्रम। इस दिन नशे में लिप्त व्यक्ति का काटा जाएगा चालान। नया बाजार में निकाली मतदाता जागरूकता रैली। लॉयंस क्लब और द्रौपदी देवी स्कूल के तत्वावधान में आयोजित लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए किया जा रहा है कार्यक्रम। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।